हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फाइल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी टेस्टी स्पंजी सॉफ्ट चॉकलेट केक। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 3 एग लिए हैं, जिनको हमें अच्छे से बीट करना है। बीट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े मिक्सर जार का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आज हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। तो बीट हमें इतना करना है एग्स को कि लाइट क्रीमी कलर का हो जाए, अच्छे से क्रीम स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाए लाइक दिस। अच्छे से हमने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पर आधा कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। केक बनाने का मेन, आप कोई भी केक बना रहे हो, इसका मेन जो मेथड है बस ये है कि आपको मिक्सिंग अच्छे से करनी है। मिक्स बहुत अच्छे से करना है हर इंग्रेडिएंट। तो हम यहाँ अच्छे से बीट कर लेंगे एग्स को, और हमारा ये शुगर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। अब इसमें यहाँ पर हम 1/4 कप ऑयल यूज़ करेंगे। आप बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैंने यहाँ पर इसमें ऑयल का यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल है। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें बीटिंग जो है मेन प्रोसेस है केक बनाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिक्सिंग अच्छी हो। अब हम एक स्ट्रेनर रख के उस पर 1 कप मैदा ऐड करेंगे, जिसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 2 टीस्पून पोर कर दिया है। अब मैंने अपना जो ओवन है, माइक्रोवेव है, 180 डिग्री पर प्री हीट करने रख दिया है, और उसमें हम तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे
और हम इसको माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए। ये हमारा केक बेक हो चुका है और हम इसको चेक कर लेते हैं कि अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। अभी बहुत गर्म है तो टूथपिक से हमने देखा, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हमारी टूथपिक निकली है, इट मीन्स ये जो है अंदर से पूरा कुक हो चुका है। हम इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसके कॉर्नर्स को नाइफ से अलग करेंगे। अच्छे से सारे तरफ कॉर्नर्स पे हम नाइफ चला लेंगे और इसको उल्टा करके हम धीरे धीरे टैप करेंगे, क्योंकि हमने मैदा डस्ट किया था, ऑयल से ग्रीस किया था, तो बहुत इजीली ये रिमूव हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब हम इसको कट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी दिख रहा है। अंदर इसके एयर पॉकेट्स जो हैं वो शो करते हैं, ये देखिए इसके जो ये एयर पॉकेट्स हैं वो ये शो करते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। तो आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की नई वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।